हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दलित के घर भोजन को लेकर बीजेपी में ही सवाल उठने लगे हैं। भोजन के सहारे दलितों के सम्मान पर बीजेपी में घमासान शुरू हो गया, जहां यूपी के एक मंत्री ने कहा कि वो दलित के घर भोजन कर उन्हें धन्य कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सवाल उठाते हुए कहा कि वो कोई राम नहीं जो दलितों के घर भोजन कर उन्हें पवित्र करे, उल्टे दलित को अपने घर भोजन के लिए बुलाना चाहिए। दलित के घर खाना, उमा भारती का ताना। शबरी के बेर खाओ नहीं, शबरी को खिलाओ। दलितों के घर भोजन करने पर सूबे में जबरदस्त सियासत हो रही है। सूबे की सरकार दलित के द्वार पहुंच रही है, कहीं दलित के घर भोज हो रहा है तो कहीं मंत्री जी मजाक कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दलितों के घर भोजन करने को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं दलितों के घर भोजन नहीं करती क्योंकि मैं भगवान राम नहीं कि पवित्र हो जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं दलितों के घर में भोजन नहीं करने जाती हूँ, लेकिन मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं अलग से भोजन करने जाती हूँ या दलित समुदाय के लोगों को अपने घर में भोजन कराती हूँ। तो मैं भोजन करने नहीं जाता, यद्यपि मैं इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन मैं भोजन करने नहीं जाता। मैं अलग से भोजन करने जाती हूँ या दलित वर्गों के लोगों को अपने घर में भोजन कराती हूँ टेबल पर बिठा करके। उन्होंने कहा कि जब दलित हमारे घर में आकर रसोई में बैठकर साथ भोजन करेंगे तब हम पवित्र हो जाएंगे। मैं कभी सामाजिक समरसता भोजन में भाग नहीं लेती क्योंकि मैं खुद को भगवान राम नहीं मानती हूँ कि शबरी के घर जाकर भोजन किया तो दलित पवित्र हो जाएंगे, बल्कि मेरा मानना है कि दलित जब मेरे घर में आकर भोजन करेंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खाना परोसूंगी तब मेरा घर पवित्र हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान राम नहीं है कि हम उनके साथ बैठ के भोजन कर लेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे, बल्कि वो जब हमारे घर में आकर के हमारी रसोई में बैठ करके भोजन करेंगे तब हम पवित्र हो पाएंगे। और इसलिए मैं आपको आज ये भेंट खोल रही हूँ कि मैं कभी सामाजिक समरसता भोजन में भाग नहीं लेती क्योंकि मैं अपने आप को भगवान राम नहीं मानती। शबरी के घर में भोजन कर लिया तो दलित पवित्र हो गए। लेकिन इस बीच यूपी के एक मंत्री ने विवादित बयान देते हुए खुद को इशारों में महान बता दिया। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप ने कहा, जैसे भगवान राम ने बेर खाकर शबरी को धन्य किया था, वैसे ही बीजेपी के नेता दलितों के घर जाकर उन्हें धन्य करते हैं। ये परंपरा रही है, राम और शबरी का संवाद तुलसी के रामायण में लिखा है। यह विश्वास भगवान राम ने पैदा किया था, इस संबंध को भी भगवान राम ने बनाया था। आज मैं जब यहाँ आया तो ज्ञान जी की माँ ने जब एक रोटी परोसी हमको तो उन्होंने कहा कि मेरा उद्धार हो गया। यह कितनी बड़ी खाई थी, कितनी दूरी थी इंसान और इंसान के बीच में, इसे राजनेताओं ने किया। आपको बता दें कि दलित के घर भोजन करने को लेकर सियासी दंगल छिड़ा है। बीजेपी दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है और दलित बाहुल्य गाँव में मंत्री, सांसद और विधायक पहुँच रहे हैं, लेकिन भोज से ज्यादा विवाद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।